तो लग ऐसा रहा है फाइनली हम सभी का इंतजार होने वाला खत्म और हमारे बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की एक बार फिर होने वाली है WWE के अंदर वापसी। अब ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि रिसेंटली कुछ लेटेस्ट रिपोर्ट्स आई हैं सामने और WWE ने खुद भी इस बात को टीज किया था रिसेंट रॉ के एपिसोड के ऊपर किस तरीके से उन्होंने बात को टीज किया, क्या कुछ कहना है, रिपोर्ट्स का सारी बातें होंगी एकदम डिटेल के अंदर इस वीडियो में। विंस मैकमैन भी रिसेंट रॉ के एपिसोड के एक सेगमेंट से बहुत ही ज्यादा निराश हैं। अब वो कौन से सेगमेंट था, क्या रीजन है निराश होने का, ड्रू मैकइंटायर और जो कोफी किंगस्टन का रॉ के अंदर मैच हुआ था, इस मैच के अंदर काफी बड़ी चीजें होती है क्योंकि ड्रू मैकइंटायर को असली चोट लगती है और कोफी किंगस्टन भी हो जाते हैं मैच के बीच में बेहोश। शेमस ने भी रिसेंटली इस बात को रिवील कर दिया कि ब्रोकन नोज के कारण वो अपनी US टाइटल को वैकेंट करेंगे या फिर नहीं, साथ ही में और भी काफी चीजें कमाल की हम लोग करने वाले इस वीडियो के अंदर बात। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो वीडियो को शुरू करते सबसे पहले आज के NXT के एपिसोड की एक मेन हाईलाइट के बारे में और वो मेन हाईलाइट थी एडम कोल बे की रिटर्न। होता क्या है, शो की ओपनिंग के अंदर एक ट्रिपल थ्रेड मैच होता है नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए और यहां पर हमें पीट डन फेस करते हुए नजर आते जॉनी गार्गैनो एंड काइल ओरायली का और इस मैच की एंडिंग के अंदर हमें एडम कोल आते हुए नजर आते स्टील चेयर के साथ में और वो तीनों के जम के धुलाई कर देते हैं। फिर वहां से NXT के मैनेजर विलियम रीगल आते हैं और किसी तरीके से यहां पर सेपरेशन क्रिएट करते हैं और वो काफी गुस्से में एडम कोल को यहां से जाने के लिए कह देते हैं। और उसके बाद जो NXT है वो हमें ये बात अनाउंस करती हुई नजर आती है कि अब जो NXT का अगला शो होने वाला है वहां पर जो केरन क्रॉस थे अब उनका नंबर 1 कंटेंडर तो कोई मिला नहीं, तो वो ट्रिपल थ्रेट मैच के तीनों अपोनेंट्स प्लस एडम कोल के खिलाफ हमें अपनी टाइटल को डिफेंड करते हुए नजर आएंगे। लेटर ऑन शो के ऊपर हमें एक सेगमेंट दिखाई देता है जहां पर केरन क्रॉस और एडम कोल हमें आमने सामने आते हुए नजर आते हैं और एडम कोल का ये जो प्रोमो था भाई मेरा वन ऑफ दी बेस्ट प्रोमो बन गया है क्योंकि इस प्रोमो के अंदर एडम कोल कुछ तगड़ी बातें करते हैं। वो कहते हैं कि तुम एडम कोल बेबे हो नहीं केरन क्रॉस और कभी बन भी नहीं सकते हो। अच्छा तुम्हें पता है जो NXT है ना वो तुम्हें अच्छा दिखाने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, उसने तुम्हें एक लड़की दे दी है, उसने तुम्हारा कूल एंट्रेंस रखी है, फॉग लैंप दिए, तुम्हें लाइटनिंग दी है, कुल मिला के NXT ने वो सारी चीजें तुम पर ट्राई कर ली जिससे तुम एक बहुत ही अच्छे सुपर स्टार दिखो। लेकिन तुम्हें पता है एडम कोल को स्पेशल दिखाने के लिए NXT क्या करती है, वो सिर्फ उस घंटी को बजा देती है और उसके बाद जो एडम कोल का जादू है जो उनका करिश्मा है वो सभी को रिंग के बीचों बीच में दिखाई देता है और एडम कोल का ये दावा है कि वो केरन क्रॉस से उस टाइटल को जरूर लेने वाले हैं। एक बार आपको सजेस्ट करूंगा आप जाकर YouTube पर चेकआउट करने, प्रोमो सही में बहुत कमाल का था और मजा काफी आएगा देखने के अंदर जब एडम कोल एक बार फिर फेस करेंगे NXT चैंपियनशिप के लिए एक फेटल 4-वे मैच के अंदर। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ। नेक्स्ट अपडेट इस बार जुड़ी है करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन द केल्टिक वॉरियर शेमस के बारे में। रिसेंट रॉ के एपिसोड के ऊपर एक बार फिर से शेमस ने रॉ के कुछ अच्छे घंटे दिए हमें और शेमस यहां पर हम्बर्टो रिकोशे का फेस करते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो हमें दोनों मैचेस के अंदर हारते हुए नजर आते हैं और मैच के दौरान शेमस को ब्रोकन नोज का भी सफर करना पड़ता है और हमने देखा भी था कि शेमस के नाक से खून वगैरह निकलने लग जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये था अगर ब्रोकन नोज है तो क्या WWE शेमस के पास से अब US टाइटल लेगी, क्या शेमस को वो टाइटल वैकेंट करनी पड़ेगी। रिसेंटली इसको लेकर शेमस सारी चीजें कर देते क्लियर अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के थ्रू, उसका स्क्रीनशॉट देख पा रहे होगे अपने आप लोग स्क्रीन के सामने। यहां पर शेमस अपनी एक लेटेस्ट फोटो पोस्ट करते जहां पर आप देख पा रहे होगे भाई उनकी जो एक आंख है एक तरह की सूजी हुई है, वहां पर हमें कट नजर आ रहा है और शेमस कहते हैं कि भाई न्यूज ये है, खबर ये है कि वो टाइटल को किसी भी हालत में वैकेंट नहीं करेंगे, उसके लिए वो माफी भी मांगते हैं। जो लोग सोच रहे थे कि शेमस को टाइटल वैकेंट करनी पड़ जाएगी, लग ऐसा रहा है कि शेमस की ब्रोकन नोज के साथ साथ जो आंख के पास आपको चीरा टाइप दिखाई दे रहा है सिर्फ ये कुछ चीजें हुई और शेमस जरूर से इस चीज को हैंडल कर सकते हैं, ये बात एकदम उन्होंने साफ कर दी है। और शेमस एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है काफी जल्दी रिटर्न करेंगे, मे बी एक दो हफ्ते का वो हमें ब्रेक लेते हुए नजर आएंगे लेकिन टाइटल तो वो किसी भी हालत में वैकेंट नहीं करेंगे। जो आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट है वो रिसेंट रॉ के एपिसोड के मेन इवेंट के अंदर कुछ बॉचेस कह सकते हो या फिर कह सकते हो कुछ ऐसी चीजों के बारे में जुड़ी है जो कि हमें लाइव टेलीविजन के ऊपर दिखाई ज्यादा नहीं दी थी और वो जुड़ी है ड्रू मैकइंटायर और कोफी किंगस्टन के मैच से। भाई रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स आई हैं सामने और इस रिपोर्ट के अंदर ये बात रिवील होती है कि अगर आप सभी ने कोफी और जो ड्रू मैकइंटायर का मेन इवेंट मैच था इसको थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो मैच के एंडिंग के आसपास ड्रू मैकइंटायर की आंख के पास हमें कट लगा हुआ नजर आता है, एकदम लाल वो कट होता है और भाई ऐसा माना जा रहा है कि कोफी किंगस्टन ने गलती से एक बॉच वाली लात मार दी थी। बॉच वाली लात कहने का मतलब ये कि जैसे मान लो आपको लात मारने कहीं और थी लेकिन आप कहीं गलती से और अपनी लात जड़ देते हो ड्रू मैकइंटायर के चेहरे के ऊपर और यही वो रीजन था ज्यादा जोर से लगने के कारण ड्रू मैकइंटायर के वो रियल चोट लग गई थी और उसके कारण ड्रू मैकइंटायर को दर्द भी हो रहा है। लेकिन अगर वही मैं कोफी की बात करूं तो आपको याद होगा मैच के बीच में जो मैच की स्टार्टिंग या फिर इनिशियल की बात कर रहा हूं ड्रू मैकइंटायर और कोफी हमें रिंग साइड पर जाते हुए नजर आता है और बैरिकेड के पास में हमें ड्रू मैकइंटायर
कोफी को फेंकते हुए नजर आते, ऐसा माना जा रहा है। उसके बाद जैसे कमर्शियल ब्रेक आई थी, कोफी किंगस्टन बहुत ज्यादा चिल्लाने लगे थे उसके बाद, और भाई तुरंत वहां से मेडिकल डॉक्टर आते हैं और वो चेक करते हैं आके कोफी किंगस्टन को, और उस टाइम कोफी किंगस्टन थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाते हैं। और भाई ये बात खुद जो न्यूएस्ट रॉ के कमेंटेटर है जिमी स्मिथ वो रिवील करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं मैं देख के काफी हैरान हो गया था कि भाई ड्रू मैकइंटायर ने ऐसे पटका कोफी किंगस्टन, और उसके बाद जो कोफी किंगस्टन की चीख निकली थी उस टाइम वो बहुत ज्यादा दर्द में था। मेडिकल डॉक्टर्स आते हैं, वो कोफी को चेक करते हैं, और कोफी इतने ज्यादा दमदार सुपरस्टार है कि भाई वो एडवर्टीजमेंट के एक बार फिर से खत्म होने से पहले, यानी कि जब शो एक बार फिर एयर ऑन होने वाला था उसे जस्ट कुछ सेकेंड्स पहले एक बार फिर हमें खड़ा होता हुआ नजर आता है। तो भाई काफी बड़ी चीजें होती है इस मेन इवेंट मैच के अंदर। दोनों सुपरस्टार्स ने अपना बेस्ट पुट किया था इस मेन इवेंट शो में, लेकिन शायद मेरे हिसाब से कोफी किंगस्टन को जीतना चाहिए था। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि सेकंड लास्ट अपडेट है, और इस बारे जुड़ी है हमारे WWE के चेयरमैन द बॉस विंस मैकमैन के बारे में। और रीसेंट रॉ के एपिसोड के एक सेगमेंट से विंस मैकमैन बहुत ही ज्यादा निराश, और ये सेगमेंट है द मिस का सेगमेंट, जो कि हमें शो की ओपनिंग के अंदर ही दिखाई देता है। PW इनसाइडर की तरफ से एक रिपोर्ट आई है सामने, और PW इनसाइडर का ये मानना है कि विंस मैकमैन रीसेंट रॉ के ओपनिंग वाले सेगमेंट से काफी ज्यादा निराश है, जो कि मिस का सेगमेंट था, जहां पर मिस अपने सेगमेंट को एक बीट द क्लॉक मैच के अंदर कन्वर्ट करते हुए नजर आते हैं। और ये जो सिर्फ मिस का सेगमेंट था करीबन 10 मिनट के आसपास का जाता है, और विंस मैकमैन इसे नाराज इसलिए क्योंकि ओरिजिनल ये जो सेगमेंट था वो सिर्फ 5 मिनट के आसपास का WWE को प्लान करना चाहिए था। इनफैक्ट सिर्फ विंस मैकमैन मिस पर, जॉन मॉरिसन पर नहीं, बल्कि वो काफी ज्यादा निराश है रॉ की क्रिएटिव टीम के ऊपर, और उन्होंने एक तरह की धमकी दे दी है, वार्निंग दे दी है कि आपको रॉ के जितने भी प्रोमो सेगमेंट्स है, स्पेशली जैसे मिस का सेगमेंट हो गया या फिर कोई और सेगमेंट हो गया, अनटिल एंड अनलेस कोई वो बड़ा स्टार ना हो, आपको वो सेगमेंट 5 से 6 मिनट का रखना, ये नहीं कि वो सेगमेंट 8 से 10 मिनट का चले जाए। तो शायद लगता है ऐसा कि विंस मैकमैन को थोड़े दिमाग के अंदर ख्याल आए हैं कि भाई सेगमेंट दिखाने से ज्यादा कुछ होता नहीं है, अनटिल एंड अनलेस वो सामने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट ना कट कर रहा हो, बल्कि यहाँ पर रेसलिंग ज्यादा मैटर करती है। और लग ऐसा रहा कि आने वाले टाइम में अगर विंस मैकमैन के रूल्स का फॉलो करती है क्रिएटिव टीम, तो जरूर WWE रॉ के अंदर ज्यादा हमें अच्छी रेसलिंग दिखा सकती है। लेकिन अब हम लोग बढ़ लेते हैं आज की हमारी नेक्स्ट इन फाइनल अपडेट की तरफ, और फाइनल अपडेट इस बार जुड़ी है द बीस्ट इनकार्नेट ब्रॉक लेसनर की WWE रिटर्न के बारे में, जिसका इंतजार करते करते मेरी आंखें तरस गई हैं, और शायद बहुत लोग और चाहते होंगे कि भैया लेसनर की फाइनली रिटर्न करवा दो। तो शायद हम 3 घंटे को रॉ को देख ही ले भाई ढंग से, और भाई फाइनली ऐसा लगता है कि WWE ने डिसाइड कर लिया, उन्होंने मन बना लिया कि अब होने वाली है अपने ब्रॉक की रिटर्न। क्योंकि होता कि अगर आपने रिसेंट रॉ के एपिसोड के कुछ बैक स्टेज सेगमेंट देखे होंगे, एक बैक स्टेज सेगमेंट होता है जहां पर हमें ड्रू मैकइंटायर कोफी किंगस्टन से बातचीत करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं आज के रॉ के मेन इवेंट के अंदर भाई तुझे मेरे को हराने का कोई भी चांस नहीं है, मैं वो बंदा हूं जिसने लेसनर को हराया रेसलमेनिया जैसे बड़े स्टेज के ऊपर, और भाई वो तू वो बंदा है जिसे ब्रॉक लेसनर स्क्वैश करके चला गया था और तेरे पास से वो टाइटल भी ले गया था, तो तू कहां मुझे हरा पाएगा, तू कहां मेरे लेवल का स्टार है। और वहीं ये एक बार नहीं बल्कि 2 बार रेफरेंस होता है लेसनर का इस सेगमेंट के अंदर, और हम सभी जानते हैं जितने भी रॉक के एपिसोड के अंदर बैक स्टेज सेगमेंट होते हैं वो सभी के सभी स्क्रिप्टेड होते हैं, तो बार बार लेसनर का रेफरेंस करना जरूर एक बड़ी चीज होती है। लेकिन वहीं अगर मैं बढ़ूं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, जहां पर बॉबी लैशली बात करते हैं इन दोनों सुपरस्टार्स की बातचीत के बारे में, और लैशली यहां पर MVP को कहते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को दमदार बता रहे हैं, और मुझे ये नहीं समझ आ रहा कि ये उस बंदे का नाम क्यों ले रहे हैं जो कि इस कंपनी के अंदर काम कर ही नहीं रहा है, अब उसका फायदा क्या बात करने का, वो तो कंपनी से ही जा चुका है। तो यहां पर लेसनर का दूसरी बार रेफरेंस होता है, और यहां पर इस बार हमारे WWE चैंपियन लैशली रेफरेंस करते हैं कि भाई लेसनर जा चुका है तो यहां पर तुम मेरे बारे में बात करो, उसके बारे में बातचीत ही क्यों कर रहे हो कि तुमने इसको हराया तुमने उसको हराया। और भाई रिसेंटली रेसलिंग ऑब्जर्वर न्यूज लेटर की तरफ से या फिर ब्रायन एल्वेस की तरफ से एक रिपोर्ट आती है सामने, उसका स्क्रीनशॉट आप लोग देख पा रहे होंगे, और ब्रायन एल्वेस का ये मानना है कि WWE एक तरह के सीड्स प्लांट कर रही है अभी फिलहाल लेसनर के रिटर्न के लिए, और जैसे ही सेगमेंट होता है ये वाला, ब्रायन एल्वेस के अकॉर्डिंग भी WWE लेसनर के रिटर्न के बारे में सोच रही है, और मे बी उनकी रिटर्न होगी समर स्लैम के अंदर, और लैशली के रेफरेंस करने का मतलब ये भी हो सकता है कि समर स्लैम में लैशली वर्सेज लेसनर का मैच होने वाला। और मेरे हिसाब से अगर ये मैच होता है तो इस साल का समर स्लैम रिसेंटली कुछ ईयर्स के अंदर कुछ मोस्ट टैग्ड कार्ड होने वाला, काफी अच्छे मैचेस हमें दिखाई देंगे, और समर स्लैम शो एक बहुत ही ज्यादा धांसू और कमाल का शो बन सकता है। बाकी देखो भाई लेसनर की रिटर्न कब होती है, और लग ऐसा रहा है कि फाइनली हम सभी का इंतजार बहुत जल्दी खत्म होने वाला है। तो गाइस आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है आप लोग कर सकते हो नीचे वीडियो को लाइक करने के साथ आप लोग सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और बेल नोटिफिकेशन को भी कर दो ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की एंड और भी फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आके आपसे काफी जल्दी मिलता हूँ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।